जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा मीम फाई के हवाले से, मीम फाई की लिस्टिंग के हवाले से, इसके स्नैपशूट के हवाले से, इसके आपको जो एयर ड्रॉप मिलेगा उसके क्राइटेरिया के हवाले से। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए इजी वर्ड जो है यूज़ करता हूँ, और आज वीडियो पता नहीं कैसी बनती है वो आपने एडजस्ट कर लेना है। मेरी आँखों का मसला है तो थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या वर्क करना है, आपको वर्किंग तो पता है। अब इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट, इन्होंने अपना क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। इनकी लिस्टिंग तो 9 अक्टूबर को थी, इन्होंने जो है वो अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। अब इनका शेड्यूल जो है वो न्यू आ चुका है, जो कि 6 अक्टूबर को आया था, आज 7 अक्टूबर है मतलब कल। तो इनका आता है क्लैरिटी ऑन लिस्टिंग टीजी एंड एयर ड्रॉप ऑल कार्ड्स ऑन डेक, वी अंडरस्टैंड योर डिज़ायर। मतलब इनका कहने का ये है कि यहाँ पर हम मुद्दे की बात करते हैं, तो इनकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट जो है वो है जी 30 अक्टूबर को, इसी महीने की 30 तारीख को जो है ये अपना एयर ड्रॉप जो है लॉन्च करेंगे, और इनका टीजी जो है और लिस्टिंग ये सारा कुछ जो है 30 अक्टूबर को होने वाला है। तो 30 अक्टूबर से पहले ये जो है आज 17 तकरीबन 15-16 तारीख तक इनका आपको जो एयर ड्रॉप मिलेगा वो क्राइटेरिया भी आ जाएगा, कि वो क्राइटेरिया आपको टास्क के ऊपर मिलेगा, वो आपका टोटल बैलेंस के ऊपर मिलेगा, वो आपकी टीम के ऊपर मिलेगा, जो भी इनका सिनेरियो होगा वो क्राइटेरिया आपको जो है वो भी देखने को मिलेगा। अभी इनका मीमफाय विल लिस्ट ऑन 6 लीडिंग CEXs प्लस 1 पेंडिंग कंफर्मेशन, द लिस्टिंग इज बीइंग पुश्ड बैक टू अक्टूबर 30। मतलब इनकी जो लिस्टिंग है वो 9 अक्टूबर को, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मतलब ये हम समझेंगे कि 9 अक्टूबर से पुश करके इन्होंने 30 अक्टूबर को जो है कर दिया। अब थोड़ा सा और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इन्होंने एक बार दोबारा मेंशन किया कि हमारा जितना भी एयर ड्रॉप होगा, गिविंग होगा, वो सारा गिव अवे हम करेंगे 90% पूरी अपनी कम्यूनिटी को, तो वो सारा कुछ जो है हमारी कम्यूनिटी के पास जो है जाएगा। इसके अलावा इनकी और जो है अपडेट आती है यहाँ पर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम एलोकेशन, एवरेज एलोकेशन पर यूज़र, मतलब कहने का इनका यहाँ पे इस पूरे इनके लव लेटर के अंदर ये भी बोला गया है कि हमारा जो भी यूज़र होगा ना, वो एवरेज यूज़र है या वो मतलब अच्छा यूज़र है, जिनके पास टोकन ज़्यादा पड़े हुए हैं या कम है या फिर बिल्कुल कम है, तो हम हर यूज़र को जो है यहाँ पे एयरड्रॉप करेंगे। बाकी यहाँ पे काफ़ी लोग जो है रूमर भी फैला रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, वो आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आएगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मीम फाय स्कैम करने वाला है, तो मीम फाय स्कैम नहीं कर सकता, ये जिस ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है वो लीनिया है, लीनिया ब्लॉकचेन जो कि मेटामास्क के पीछे खड़ी हुई है, जिस वजह से मेटामास्क आज जो है अपने पैरों पर खड़ा है। अगर लीनिया ब्लॉकचेन का ये ऐसे समझ लो, मीम फाय लीनिया ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, ये स्कैम नहीं कर सकता। आपके सामने बहुत बड़े गिव अवे कर रहे हैं, 4 मिलियन की लैम्बोर्गिनी दे रहा है, और ऊपर भी अभी तक तकरीबन जो है अभी मैं आपको मीम फाय अगर ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2,03,396 ये हो गए टोन, मतलब 2,03,396 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पर पर्सन जो है यहाँ पे एक टून जा रहे हैं या 500 स्टार जा रहे हैं, मतलब कि एक टून के अंदर 6 डॉलर होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, 12,20,376 डॉलर हो गए, हम मल्टीप्लाई करेंगे पीकेआर के साथ कि इन्होंने कितना जो है यहाँ से अर्न किया, 286 रुपये, 34,90,27,536 रुपये, 34 करोड़ में से 4 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आएगी, 30,90,000 बकाए इनके पास जो है वो भी बचते हैं, इनका भी ये गिव अवे करेंगे। अगर गिव अवे नहीं करते, जब ये लॉन्च करेंगे तब जो है आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है, मतलब इस टाइम ये 30 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो कमा चुके हैं, 4 करोड़ की गाड़ी देंगे, 30 करोड़ एक्स्ट्रा कमा चुके हैं, अभी भी 11-12 दिन पड़े हुए हैं, ये उसमें जो है अभी तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कहने का मतलब ये है कि 20-30 करोड़ और भी इनके पास लोग जो है पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो इनके पास 50-60 करोड़ और PKR अगर देखा जाए तो इनके पास पैसा और भी चला जाएगा। तो अगर ये स्कैम करते हैं, अब बात आती है स्कैम की, इसकी प्राइस तो इंशाल्लाह उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस जो है यहाँ से जो है यहाँ तक जा सकती है, 0.04 से 0.09 तक, ये 0.1 भी आ सकती है, 0.1 भी आ सकती है,
तो अभी इसकी मैं लिस्टिंग की बात करूंगा। इसकी लिस्टिंग अगर ना हुई, या इन्होंने हैमस्टर की तरह, पिक्सल वर्स की तरह, रॉकी रैबिट की तरह इन्होंने स्कैम किया, तो फिर हम सारे यूट्यूबर मिलके हम इनके खिलाफ़ कंपेन चलाएंगे और इनके खिलाफ़ वो वर्क करेंगे, मतलब इनको जो है हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये ना आपको टेलीग्राम पे नज़र आएगा, ना ये आपको जो है यूट्यूब पे नज़र आएंगे, कहीं पे आपको ये मुंह दिखाने के लायक इनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं हमने सबको रिपोर्टिंग कर करके इनको तबाह कर देना। तो मतलब आने वाला जो भी प्रोजेक्ट होगा वो सोच समझ के आएगा, और वो अगर कम्युनिटी को देगा कुछ तो आएगा, अगर नहीं देगा तो वो जहाँ पे पड़ा है वो वहीं पे रहेगा। तो ये कुछ अपडेट थी यहाँ पे। अभी कोई बंदा जो है इसमें पार्टिसिपेट ना करें, जस्ट अभी आपके पास कुछ टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल गया, यहाँ पर जितना हो सकता है अपनी माइनिंग करें और यहाँ पर अपना वैलेट जो है वो भी अपना कनेक्ट करके रखें। तो बाकी जो भी अपडेट आएगी आपका भाई इंशाल्लाह आपको देगा। वैलेट की पासफ्रेज की वगैरह वो भी आप अपनी जो है संभाल के रखें यहाँ पे क्लिक करके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन क्वायरी है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।